हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लेसन टू स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर एंड इट्स एनिमी। ओके, तो इस लेसन में हम कंप्यूटर के एनिमीज यानी कि कंप्यूटर के दुश्मन जिनको हम बोलते हैं कंप्यूटर वायरस, उनके बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर के वायरस कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके क्या सिक्योरिटी हम रख सकते हैं, क्या हम कैसे हम अपने कंप्यूटर को सेफ रख सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे इस लेसन में, और ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आइए हम जानते हैं कि वायरस होते क्या हैं। तो वायरस सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, डाटा चोरी कर लेते हैं, है ना। तो इनको हम वायरस बोलते हैं, कंप्यूटर वायरस। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी कि इसमें सारा कंप्यूटर जो है आपका हैंग होने लगता है और बहुत सारी ऐसी हरकतें करने लगता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होती। ओके, तो इस लेसन की जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो हम कल लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम कंप्यूटर वायरस के बारे में जान रहे हैं। कंप्यूटर को कई तरह से लोग नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, उनका डाटा लॉस हो जाता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ फाइल्स डली हुई हैं इम्पोर्टेंट, वो चली जाती हैं, ठीक है। और जो भी हम काम करते हैं वो किसी दूसरे के पास चला जाता है ना। तो इस तरह के बहुत सारे नुकसान होते हैं कंप्यूटर वायरस की वजह से। ओके, तो कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि हैकर आपके पास भेज देते हैं, वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आप गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं उसी तरह कंप्यूटर वायरस भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और वो आपकी डिटेल्स चोरी कर लेता है, ठीक है, और दूसरे पर्सन को भेज देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वायरस जो होते हैं इनको कौन भेजता है, इनको हैकर्स भेजते हैं, जो कि इलीगल होता है, एक क्राइम है। जो लोग आपको इस तरह की सॉफ्टवेयर, इस तरह के वायरसेस आपको भेजते हैं वो कौन होते हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वो इंटरनेट के क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे हम जानते हैं कि कंप्यूटर के वायरस कैसे आते हैं। देखिए, कंप्यूटर में वायरस हो सकता है कि आपने किसी दूसरे फ्रेंड से अपना कुछ लिया हो, कोई फाइल, या आपने उसकी पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाई जिसमें वायरस था। तो इसी तरह से वायरस फैलता है ना। जब वायरस, जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस फैलता है, तो इससे का मतलब है बिल्कुल वैसे ही फैलता है जैसे आप किसी के पास जाते हैं, उस वो इन्फेक्टेड है तो उससे आपको फैल सकता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आप किसी इन्फेक्टेड डिवाइस यानी कि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या कुछ इस तरह की फाइल अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, इस तरह की डिवाइस, तो उसमें वायरस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इस लॉकडाउन के टाइम पे वायरस को अच्छे से समझा है, बिल्कुल उसी तरह से ये वायरस भी काम करता है। जैसे हम लोग को बताया जाता है कि कोई भी चीज़ खाने से पहले या उसको छूने से पहले उसको सैनिटाइज करना पड़ता है, सैनिटाइजर का नाम सुना होगा आपने। तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम कोई डिवाइस कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं तो हमें उसको सैनिटाइज करना पड़ता है, मतलब उसको स्कैन करना पड़ता है कि उसमें वायरस तो नहीं है। अगर होता है वायरस तो वो हट जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, बिल्कुल सैनिटाइजर की तरह। तो उसको हम बोलते हैं एंटीवायरस, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वायरस से हमें बचा के रखता है उसको हम बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वायरस दूसरे तरीकों से भी फैलता है, जैसे इंटरनेट के थ्रू आपको कोई मैसेज आया, कोई ईमेल आया,
ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें भी वायरस हो सकते हैं। तो जब भी कोई अननोन मैसेज आता है तो उसको हमें ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हमसे पासवर्ड पूछता है तो हमें पासवर्ड इस तरह से इजीली नहीं देना चाहिए, है ना। हमें पहले चेक करना पड़ता है कि कौन है, किस तरह से हमें पासवर्ड देना है, तभी हम उसको पासवर्ड देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वायरस क्या क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी लिस्ट है आपकी। आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आपकी फाइल, इम्पोर्टेंट फाइल, और उसकी जो है साइज बढ़ती रहती है। जो वायरस आपके में आता है कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिक फैलता जाता है, यानी कि जैसे आपकी बॉडी में कोई वायरस आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है ना। उसी तरह कंप्यूटर में के वायरस भी अपने आप बढ़ते जाते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, इंटरफेरेंस विद द डिस्प्ले, डिस्प्ले आपकी इंटरफेरेंस करने लगती, मीन्स आप उसमें डिस्प्ले से समझ सकते हैं उसमें ऑटोमेटिक कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगती है जिससे हमें लगता है कि इसमें वायरस है। ओके, कभी कभी हमारी हार्ड डिस्क से सभी इंफॉर्मेशन डिलीट्स हो जाती हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की स्पीड भी कम हो जाती है, मेमोरी में कम स्पेस दिखाई देता है ना। तो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैंग हो जाता है कंप्यूटर। तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, एक कंप्यूटर वायरस से। कंप्यूटर वायरस कई टाइप के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मैक्रो, स्टील्थ वायरस, मल्टीपैरेटेड वायरस। ओके, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। डू नॉट यूज, डू नॉट ओपन एनी ईमेल, है ना। कोई भी ईमेल हमें अननोन ईमेल ओपन नहीं करना पड़ता है। पेन ड्राइव एक्सचेंज नहीं करना है अभी किसी से, है ना, क्योंकि उसमें वायरस आ सकता है दूसरे कंप्यूटर से। बिल्कुल उसी तरह जो हम लोग अपने खुद को बचाने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसी तरीके से हमें अपने कंप्यूटर को भी सेफ रखना पड़ता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और कल हम वर्ड मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद इस लेसन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने लेसन फर्स्ट का कोई भी वीडियो अगर नहीं देखा है, मिस किया है, तो सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही आप सभी वीडियोस देख लीजिए, पूरा वर्क आपका लेसन वन का कंप्लीट होना चाहिए लेसन टू स्टार्ट होने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिनने मुझे अभी तक एक भी फोटोज़ नहीं भेजी हैं लेसन वन की, वो लोग जल्दी से भेज दीजिएगा, क्योंकि सभी की लिस्ट बनाई जा रही है। जो स्टूडेंट्स होमवर्क भेज रहे हैं उनकी अलग लिस्ट है, जो नहीं भेज रहे हैं उनकी अलग लिस्ट है। ठीक है, तो आपको होमवर्क करना है डेली, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।